हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने साइंस पार्ट वन लेकर आई हूं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जीके में, हिंदी मीडियम में। इसके अंदर मैंने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं, और 30 ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उनको आने की संभावना भी है एग्ज़ाम में। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये हमारी एसएससी, सीजीएल, बैंक, यूपीपीएससी, रेलवेज़ और जितने भी पीएससी के एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। हमारा जो चैनल है वो प्री प्लस मींस दोनों की तैयारी करवा रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, और आने वाली एमपीपीएससी को भी हम लोग फोकस करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। प्लस जो भी नया नोटिफिकेशन आयोग का आता है किसी भी स्टेट का, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, और मोटिवेशनल वीडियो भी हमारे चैनल पर दिखाए जाते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें। चलिए हम लोग करते हैं आज साइंस के क्वेश्चन पार्ट वन में। इसमें पहला क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित क्यों रहती हैं? तो इसका आंसर है, झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती, मतलब कि बर्फ की जो परत है वो ऊपर ऊपर रहती है, अंदर बर्फ नहीं जमी होती है, इसलिए मछलियां अंदर रहती हैं और जीवित रहती हैं। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, यूपीपीएससी 2010 में और झारखंड पीएससी में भी पूछा गया है 2010 में ही। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हम रिमोट कंट्रोल का यूज़ करते हैं टीवी चलाने के लिए, तो उसमें कौन सी विकिरण होती है जिसका यूज़ करते हैं? तो ये अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं उसे। संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता कितना होता है? तो 310 होता है मानव शरीर का ताप केल्विन मान से। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि केल्विन पूछा है, फ़ारेनहाइट पूछा है या सेल्सियस पूछा है। ये चीज़ें अपने एग्ज़ाम में बहुत ध्यान रखिए, आंसर फिर उस पर टिक मार्क लगाइएगा। तो ये क्वेश्चन आईएएस में 1995 में पूछा गया है पहले। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। अगर श्वेत प्रकाश जो होता है वो अलग अलग रंग में डिवाइड होता है तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसके त्वरण का मान क्या होगा यदि वायु का घर्षण शून्य है? तो त्वरण का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर का जो साइन होता है वो यहाँ पर ऐसे लगेगा, लेकिन यहाँ पर वो सिंबल आ नहीं रहा था इसलिए ये साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, दोलन करते समय सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो जब ये सरल लोलक ये है, जब ये दोलन करता है यहाँ से ऐसे चलता है, तो इसकी सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा किनारों पर होती है, यहाँ पर और यहाँ पर, दो जगह होती है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं, क्यों होते हैं? तो क्योंकि गैसों में द्रव की अपेक्षा ऊष्मीय प्रसार जो होता है वो ज़्यादा होता है, इस कारण से वो अधिक सुग्राहक होते हैं। किस प्रकार के ग्लास प्रकाश की तीव्रता को कम कर देते हैं जिसके कारण उसका उपयोग धूप के चश्मे में किया जाता है? तो ध्रुवक ग्लास जो होते हैं वो प्रकाश की तीव्रता को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में? निर्वात में अधिकतम होता है, मतलब कि ना हवा, ना पानी और ना फिर गैस, तीनों में से अगर कोई भी नहीं होगा प्रकाश वहाँ से बहुत ईजीली गुजर पाएगा। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा
प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। प्राकृतिक जो रबड़ होती है बहुत ही लचीली होती है, उसको आसानी से तोड़ा जाता है, तो अगर उसमें सल्फर मिला दिया जाएगा तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो इजीली नहीं टूटेगी और वो खींचने वाली बनेगी, मतलब इलास्टिक होगा, इलास्टिसिटी होगी उसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से नहीं छपा है। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों को कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है कोबाल्ट। ये पहले UPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। मृग मरीचिका का क्या कारण होता है, इसका कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चन बार बार UPSC में पूछा जा चुका है और UPSC में भी कई बार पूछा है, जैसे कि 2012 में और 1995 में ये क्वेश्चन पूछा है। और मृग मरीचिका होती है जो रेगिस्तान में बनती है, जब वो धूप सामने से पड़ती है तो बालू जो चमकती है उसे कहते हैं मृग मरीचिका। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके में क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपस में जोड़े जाते हैं तो उनमें टांका लगाया जाता है, तो उनमें शीशा और टिन होता है। विभिन्न प्रकार के कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा होता है, तो ये मुख्य घटक सिलिका होता है। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर सहयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति क्या होगी, अध्रुवीय सहसंयोजन की प्रकृति होगी। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ का। वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया, मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के आवेश मतलब कि घनात्मक है या ऋणात्मक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। कौन सा तत्व फूलों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो यह है क्रोमोप्लास्ट, ये विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। मानव आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो ये होता है फाइकोसाइनिन। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है, मतलब कि अगर हम खाना खाते हैं पचने के समय अगर कोई विषैला पदार्थ बच जाता है तो ऐसा कौन सा अंग है जो उसको साफ करता है, चूसता है उसे, तो होता है यकृत। यकृत को लीवर भी कहते हैं। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाय और भैंस दूध दे सके, तो इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। वंशानुगत बीमारी थैलासीमिया से क्या प्रभावित होता है, तो खून में प्रभाव डालती है ये बीमारी, इंसान के खून में खून को प्रभावित करती है। सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचार तंत्र का अध्ययन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में डालने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए भोजन जल्दी तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन UPSC 2015 में पूछा भी गया है और भी कई एग्जामों में पहले पूछा जा चुका है। तो आज के सुपर 30 यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।